Hello students, class 5, this is Veena ma'am here with your EVS solutions. And today we will start our chapter number 17, our district. Our means हमारा district means जिला. Okay, तो जिस district में आप रहते हैं उसकी बात हो रही है. We live in the state of Rajasthan. हम राजस्थान state में रहते हैं. State means राज्य. हम राजस्थान राज्य में रहते हैं. Our state is situated in the western part of India. और हमारा राज्य भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है. सिचुएटेड मीन्स स्थित एंड वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी. द टोटल एरिया ऑफ राजस्थान स्टेट इज 342,289 स्क्वायर किलोमीटर. हमारा राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल कितना है? 342,289 स्क्वायर किलोमीटर है. ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एरिया राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. क्षेत्रफल के आधार पर हमारा राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है. देर आर टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट इन अवर स्टेट. हमारे राज्य में राजस्थान में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? 33 डिस्ट्रिक्ट हैं. अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज 6.68 करोड़. आउट ऑफ इट 5.15 करोड़ इज द रूरल पॉपुलेशन. यानी 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस का मतलब जनगणना के अनुसार, हमारे राजस्थान की जो पॉपुलेशन है टोटल वो कितनी है? 6.68 करोड़ है. इसमें से 5.15 करोड़ क्या है? रूरल पॉपुलेशन है, ग्रामीण जनसंख्या है. एंड चिल्ड्रन डू यू नो वन थिंग, हमारे इंडिया में हर 10 इयर्स में जनगणना होती है. अब 2011 में हुई थी, उसके बाद अब नेक्स्ट टाइम होगी 2021 में. तो उसमें आपका जो रेशियो है ना पॉपुलेशन का, ये वाला, इसमें डिफरेंस आ जाएगा. तो नेक्स्ट ईयर जब आप पेपर देंगे उससे पहले आपके पास ये न्यू इसके सेंसस के जो भी न्यू वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी, वो हमें लर्न करनी है. सो नाउ यू कैन सी हेयर इज द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान. आप इसमें से अपना देखिए, आपका डिस्ट्रिक्ट किधर है. अलवर भी हो सकता है, जयपुर भी हो सकता है, जैसलमेर भी हो सकता है, एनी थिंग कैन बी हियर. और ये भी आप देखिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी बाउंड्री शेयर हो रही है आपके डिस्ट्रिक्ट के साथ. सपोज जयपुर है, अब जयपुर तो कैपिटल है, ओके, लेकिन जयपुर की जो बाउंड्री है और कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर हो रही है, देखिए सीकर, नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा, अलवर. ऐसे ही मान लीजिए अलवर हम लें, अलवर की बाउंड्री कितनी डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर हो रही है? भरतपुर, दौसा, जयपुर, ओके. जोधपुर की लें तो जोधपुर की बाउंड्री किस किस के साथ शेयर हो रही है? जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, नागौर, बीकानेर. तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर जो हो रही है तो वो आपको याद रखना है. आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट के चारों तरफ देखिए किस किस की बाउंड्री शेयर हो रही है आपके डिस्ट्रिक्ट के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, ओके. नाउ क्वेश्चन इज, देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, चैप्टर हमारा बहुत छोटा है बट मैनी क्वेश्चन आ रहे हैं और ये क्वेश्चन हमको याद रखना जरूरी है बिकॉज देज आर द जीके क्वेश्चन ऑल्सो. हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन राजस्थान? तो इसका आंसर आपको देखो ऊपर मिलेगा, 33 डिस्ट्रिक्ट. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट? अब आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसका नेम क्या है? अलवर में रहते हो तो अलवर है, जयपुर रहते हो तो जयपुर है, जोधपुर रहते हो तो जोधपुर है, जहाँ भी आप रहते हो इसका नेम है. अब देखिए क्वेश्चन आ गया ना यही वाला, विच आर द अदर डिस्ट्रिक्ट दैट शेयर द बाउंड्री विद योर डिस्ट्रिक्ट? और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, जिनकी बाउंड्री आपके जिले या आपके डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर होती है? तो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि इस मैप में देखकर अपने डिस्ट्रिक्ट को फाइंड आउट करो पहले, और उसके बाद देखो आपके डिस्ट्रिक्ट के चारों तरफ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री शेयर हो रही है, तो वो आपका आंसर है. सर्च योर डिस्ट्रिक्ट इन मैप फॉर राजस्थान एंड कलर इट. अब ये तो देखो आपको पूरे फिल किया हुआ है, ये आपकी एक्टिविटी है कि आप एक ब्लैंक मैप लेंगे राजस्थान का और उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट को कलर करेंगे. कैसे करेंगे, कैसे पता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तो इस मैप की हेल्प लेंगे, आपके मैप को देखिए, मैप में आपके डिस्ट्रिक्ट का कहाँ है उसका नेम लिखो और उसको कलर करो, ओके. इसके बाद देखिए अगेन सम क्वेश्चंस आर हियर. इन विच विलेज सिटी डू यू लिव? कौन से विलेज या सिटी में आप रहते हैं? तो यदि आप सिटी में रहते हैं तो सिटी का नेम लिखेंगे, एज लाइक आई लिव इन अलवर सिटी, आई लिव इन जयपुर सिटी, आई लिव इन जैसलमेर. और यदि किसी विलेज में रहते हैं, एज आई लिव इन रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, एनीथिंग, तो वो आपको लिखना है नेम. इट इज़ अंडर विच पंचायत समिति?
यदि आपका आंसर विलेज में आ रहा है, आप विलेज में रहते हैं, तो ये बताना है आपको कि किस पंचायत समिति में आता है, ओके। और यदि आप सिटी में रह रहे हैं तो आपको बताना है कि किस नगर परिषद में आ रहा है। सपोज आप अलवर में रह रहे हैं तो आप आंसर क्या लिखेंगे, इट इज़ अंडर नगर परिषद। यदि आप जयपुर लिख रहे हैं, इट इज़ अंडर जयपुर नगर निगम। सो लाइक दिस यू हैव टू मेंशन योर आंसर। विच आर द अदर पंचायत समितीज इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी पंचायत समितीज हैं। तो इस आंसर के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप या तो गूगल की हेल्प ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, और वो आपको बता सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी पंचायत समितीज हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे 12 डिस्ट्रिक्ट का दे रखा है मैप, ओके। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से प्लेसेज हैं 12 डिस्ट्रिक्ट में, छाबड़ा और शिप्रबोरू, अटारू, शाहबाद, किशनगंज, बारा, अंता, मंगरोई, मंगरोल है, ओके। ऐसे ही आपका भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, आपके अलवर का या आपके किसी भी सिटी का जहाँ आप रहते हो, उस डिस्ट्रिक्ट का भी अलग से मैप मिलता है मार्केट में, और आप गूगल पे भी उसको सर्च कर सकते हो और अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ सी ग्राम पंचायत, इसको हम ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। ग्राम पंचायत क्या होती है, मैनी टाउन्स विलेजेस एटसेट्रा टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्राम पंचायत। बहुत सारे विलेजेस और कस्बे मिलाकर क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं। इट मेक्स एन अरेंजमेंट ऑफ मैनी बेसिक फैसिलिटीज इन द विलेज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, एजुकेशन, हेल्थ, क्लीनिनेस एटसेट्रा। ग्राम पंचायत क्या क्या अरेंजमेंट्स करती है, बेसिक फैसिलिटीज यानी जो मूलभूत सुविधाएं हर इंसान को चाहिए होती हैं, जैसे पानी है, बिजली है, ट्रैफिक है, शिक्षा, एजुकेशन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, ये सब। अब पंचायत समिति क्या करती है, बैनी ग्राम पंचायत ऑफ नियर बाई एरियाज टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स अ पंचायत समिति। अब आसपास की बहुत सारी ग्राम पंचायतें मिलकर क्या बनाती हैं, पंचायत समिति बनाती है। ये पंचायत समिति मेक्स प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द विलेजेस इन इट्स एरिया। अब एक पंचायत समिति के अंडर में जितने भी ग्राम पंचायत आती है ना, उन सबका डेवलपमेंट करना, उन सभी विलेजेस का डेवलपमेंट करना पंचायत समिति का काम होता है। इट एंश्योर्स कंप्लीशन ऑफ योर डेवलपमेंट, इट एंश्योर्स कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट स्कीम्स बाय द मेकिंग अवेलेबल द एक्सपर्ट्स टू द विलेज पंचायत। विलेज पंचायत में जो भी एक्सपर्ट्स बैठते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो डिफरेंट फील्ड में डेवलपमेंट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो सारा काम पंचायत समिति देखती है। नाउ ए मैप ऑफ 12 डिस्ट्रिक्ट इज गिवन हियर, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर यू ऑल्सो ऑब्जर्व अ मैप ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड टेल अबाउट द फॉलोइंग। अब जैसे ये 12 का आपको दे रखा है मैप, इसी तरह आप अपने डिस्ट्रिक्ट का मैप लीजिए और उसको देखकर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे वेयर इज योर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, आपके डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है। विच आर द मेजर स्टेट हाईवेज इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से स्टेट हाईवेज हैं। देखो नेशनल हाईवेज तो हमने सुने हैं जो डिफरेंट स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं, और स्टेट हाईवेज क्या होते हैं, जो एक स्टेट के अंदर होते हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज इफ देयर इज अ लेक और पॉन्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट, राइट इट्स नेम, राइट इट नेम। यदि आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई लेक है, पॉन्ड है, तो उसका नेम लिखना है। विच मेजर रिवर फ्लोज थ्रू योर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट से कौन सी रिवर फ्लो होती है, कौन सी नदी बहती है। और विच लैंग्वेज इज प्राइमरी स्पोकन इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लैंग्वेज मुख्य रूप से बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है। व्हाट आर द मेन ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ मैन एंड वुमेन इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट में मैन और वुमेन यानी स्त्री पुरुष कौन सी पारंपरिक ड्रेसेस पहनते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं। तो मेनली अपने राजस्थान की जो है, मैन तो धोती कुर्ता पहनते हैं और वुमेन साड़ीज वियर करती हैं, समटाइम्स लहंगा और ये भी पहनती हैं, घाघरा जिसको बोलते हैं। वेयर इज़ द मेन स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिचुएटेड इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले का जो मेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो कहाँ है। अपने राजस्थान में तो देखो जयपुर में है मेन स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, ओके। राइट द नेम्स ऑफ द वेल नोन स्पॉट पर्सन, फ्रीडम फाइटर्स, आर्टिस्ट एंड सोशल वर्कर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले में जो प्रसिद्ध स्पोर्ट पर्सन कोई हुआ है, फ्रीडम फाइटर हुआ है, आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाला कोई कलाकार है या कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, तो उसका नेम आपको बताना है। विच मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले में कौन सी क्रॉप ज़्यादातर उगती है। विच मेजर इंडस्ट्री एंड फैक्ट्रीज आर देयर इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी मुख्य उद्योग और कारखाने हैं।
व्हाट इज द मेन फूड ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट का मेन फूड क्या है ये बताना है. ओके, विच फेयर्स आर ऑर्गेनाइज इन योर डिस्ट्रिक्ट, और आपके जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं. अब इसमें आप ट्रेड फेयर का नाम नहीं लिखोगे कि ट्रेड फेयर लगता है, कौन से हमारे रिलीजियस फेयर्स हैं उनके नेम हमें लिखते हैं, जैसे पुष्कर मेला है, बेणेश्वर मेला है, इन सबके नेम हमें लिखने हैं. राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्डिंग योर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट के ये कौन जो भी हैं नेम इनके बताने हैं आपको. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रीजनल लेजिस्लेटर, मेंबर ऑफ पंचायत समिति, मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि जिला परिषद, जिला प्रमुख का नेम आपको बताना है, पंचायत समिति के प्रधान का नेम बताना है. तो स्टूडेंट्स, इट इज़ इम्पॉसिबल टू गिव होल डिटेल ऑफ होल राजस्थान 33 डिस्ट्रिक्ट इन दिस वीडियो. राजस्थान के सभी 33 डिस्ट्रिक्ट के बारे में सारी नॉलेज देना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है. सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, योर एल्डर्स एंड गूगल. सो यू हैव टू कंसल्ट विद योर मैप, डिस्ट्रिक्ट मैप. अब इसमें हमने क्या क्या सीखा है देखो. बेस्ड ऑन द टोटल एरिया, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है. मैनी ग्राम पंचायत टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत समिति, बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनाती हैं. देर आर टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, ग्राम पंचायत एंड द पंचायत समिति इज कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति मिलकर एक जिला बनाती हैं, डिस्ट्रिक्ट बनाती हैं. देर आर मैनी डिफरेंट लेक्स एंड रिवर्स इन द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग नदियाँ और झीलें हैं. अब ये भी फिर क्वेश्चन है कि वाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, ये भी अभी आपको देखो पीछे पैराग्राफ में दिया है ना कि ग्राम पंचायत के काम क्या क्या हैं, ये दे रखे हैं सारे आपको, ये सारे अरेंजमेंट करना किसका काम है, ग्राम पंचायत का काम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन इट्स एरिया विच पोजिशन डज राजस्थान होल्ड अमंग द अदर स्टेट्स इन इंडिया. क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, हमें पता है फर्स्ट है. राइट द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नेम लिखना है. तो यही क्वेश्चन देखो सेम यहाँ पर आ चुका है कि इन सभी का देना है हमको आंसर, तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें कि आप उसको अपने डिस्ट्रिक्ट के जो मेन मेन फीचर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट की जो विशेषताएँ हैं वो बताएँ. तो इस तरह के लेटर बेटा आपके इंग्लिश में भी आते हैं, तो एक ही प्रैक्टिस आपकी इंग्लिश की देखो यहीं पर हो गई है ईवीएस में. कट द पिक्चर्स ऑफ मेजर टूरिस्ट प्लेसेस, पॉन्ड्स, डैम्स एट्सेट्रा फॉर योर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक. तो ये आपका एक्टिविटी वर्क है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट की जो मेजर प्लेसेज हैं, चाहे टूरिस्ट प्लेसेज हों, पॉन्ड्स हों, डैम्स हों, रिवर्स हों, लेक्स हों, उन सब की पिक्चर्स कलेक्ट करिए. आप न्यूज़पेपर से भी ले सकते हो, किसी सोशल मीडिया से भी ले सकते हो, मैगजीन से भी ले सकते हो, और उनके अपनी नोटबुक में पेस्ट करके उनका नेम आपको लिखना है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर. स्प्लेंडर, ऑनर एंड प्राइड इज द आइडेंटिटी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की आइडेंटिटी क्या है, साहस, शौर्य, वीरता, ये सब हमारे राजस्थान की पहचान है. सो दैट्स इट ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू.